आप लोग जानते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जिला अधिवक्ता संघ एवं अन्य अधिवक्ता संघों के द्वारा लगातार न्यायालयीन कार्य से व्यस्त रहने एवं आंदोलनों की भूमिका रही है, जिसके परिपेक्ष में पूर्व सरकार ने भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा किया था और इस सरकार ने भी लागू करने का वादा किया। माननीय विवेक तन्खा जी के द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा की गई थी, जैसे चुनाव बीतेंगे हम प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे, मगर चुनाव होने के बाद भी जो इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे अधिवक्ता संघों के माध्यम से लगातार आंदोलन हुए। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल 20 तारीख को भोपाल में एक बैठक बुलाई है, जिसपे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारा एक डेलीगेशन भोपाल जा रहा है और हम कल उनका प्रारूप देखेंगे। अगर हमारे प्रारूप के अनुसार, जैसा हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट किस आधार पर तैयार हो, उसकी हमने तैयारी कर ली है, अगर उस आधार पर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो हम उस प्रोटेक्शन एक्ट को मांगेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करेंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है और कहीं यह प्रोटेक्शन एक्ट तथाकथित रूप से लागू करके पुनः उसी प्रकार से बना दिया जाता है, तो हम उस बात को नहीं मानेंगे और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके लिए हम आपको सूचित करेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने पर आगे आप लोगों की और क्या कार्यकारिणी? देखिए, ये कोई हमारे लिए बड़ा उसका विषय नहीं था। जी जी, हमने प्रोटेक्शन एक्ट मात्र इस बात के लिए मांग कर रहे थे कि हमारा अधिवक्ता समुदाय न्यायिक कार्य के एक ऐसे जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ पे अधिवक्ता दिन रात अपराधियों से संबंधित मुकदमे करते हैं और उसके कारण उनके जन हानि और मान हानि होने का हमेशा एक दबाव बना रहता है। उस दबाव को दूर करने के लिए हमने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी। आज सरकार हमारी अगर इस बात को सुन रही है तो हम उस सरकार को धन्यवाद देते हैं। आप लोग जानते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जिला अधिवक्ता संघ एवं अन्य अधिवक्ता संघों के द्वारा लगातार न्यायालयीन कार्य से व्यस्त रहने एवं आंदोलनों की भूमिका रही है, जिसके परिपेक्ष में पूर्व सरकार ने भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा किया था और इस सरकार ने भी लागू करने का वादा किया। माननीय विवेक तन्खा जी के द्वारा चुनाव पूर्व घोषणा की गई थी, जैसे चुनाव बीतेंगे हम प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर देंगे, मगर चुनाव होने के बाद भी जो इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे अधिवक्ता संघों के माध्यम से लगातार आंदोलन हुए। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल 20 तारीख को भोपाल में एक बैठक बुलाई है, जिसपे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारा एक डेलीगेशन भोपाल जा रहा है और हम कल उनका प्रारूप देखेंगे। अगर हमारे प्रारूप के अनुसार, जैसा हम चाहते हैं कि प्रोटेक्शन एक्ट किस आधार पर तैयार हो, उसकी हमने तैयारी कर ली है, अगर उस आधार पर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो हम उस प्रोटेक्शन एक्ट को मांगेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करेंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है और कहीं यह प्रोटेक्शन एक्ट तथाकथित रूप से लागू करके पुनः उसी प्रकार से बना दिया जाता है, तो हम उस बात को नहीं मानेंगे और आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके लिए हम आपको सूचित करेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने पर आगे आप लोगों की और क्या कार्यकारिणी? देखिए, ये कोई हमारे लिए बड़ा उसका विषय नहीं था। जी जी, हमने प्रोटेक्शन एक्ट मात्र इस बात के लिए मांग कर रहे थे कि हमारा अधिवक्ता समुदाय न्यायिक कार्य के एक ऐसे जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ पे अधिवक्ता दिन रात अपराधियों से संबंधित मुकदमे करते हैं और उसके कारण उनके जन हानि और मान हानि होने का हमेशा एक दबाव बना रहता है। उस दबाव को दूर करने के लिए हमने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की थी। आज सरकार हमारी अगर इस बात को सुन रही है तो हम उस सरकार को धन्यवाद देते हैं। उसके आगे बोलना? नहीं, फिर से। जिला अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ एवं एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के द्वारा 15 तारीख को न्यायिक कार्यों से विरक्त रहने की घोषणा की गई थी कि प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं होता तो ये चेतावनी है, उसके बाद लगातार कार्रवाई होगी, आगे आंदोलन जारी रखेंगे। 15 तारीख के बाद 16 तारीख को पूरा मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद ने, राज्य अधिवक्ता परिषद ने पूरे मध्य प्रदेश में न्यायालयीन कार्यों से अधिवक्ता विरक्त रहे ऐसा आह्वान किया था और हमने उसको माना और 16 तारीख को भी न्यायालयीन कार्यों से विरक्त रहे। उसके बाद अधिवक्ता युवा अधिवक्ता संघ ने भी एक युवा अधिवक्ता परिषद ने भी 17 तारीख को एक धरना दिया और साथ में सभी अधिवक्ता, पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता मध्य प्रदेश शासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जो 20 तारीख को आपने हमें बुलाया है चर्चा करने के लिए, अगर इसमें ठोस निर्णय लेके प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया शीघ्र ही मध्य प्रदेश में, तो हम उसके बाद क्रमिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें।